नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी एपीएस अपर नियुक्त सचिव, जिसका आप लोगों को सभी काफ़ी देर से इंतज़ार था कि ये भर्ती कब आएगी, तो ये भर्ती आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन की लिंक भी खुल गई है। तो जो लोग OTR फिल किए थे वो अपना सीधे डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो नहीं किए हैं वो OTR करिए, फिर फॉर्म को फिल करिए। तो अब इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, जो पहले का सिलेबस था, जो 2013 में जो सिलेबस था उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है, तो उसकी डिटेल जो नोटिफिकेशन की वीडियो है वो आलोक सर के द्वारा आपको डाल दी गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उसको देख सकते हैं, बाकी आप परीक्षा प्लस चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आपको डिटेल में बताया गया है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें भी APS की तैयारी करनी है, अपर निजी सचिव का टैग लेना है, वो एकदम जुट जाइए, क्योंकि मात्र आपका ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, अब ज़्यादा देर नहीं होगी। तो सिलेबस क्या है, जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया आपके पहले पेपर में, सबसे पहले जो पहले नहीं था वो आ गया है अब कंप्यूटर। अब उस कंप्यूटर संभाग का सिलेबस क्या है उसके पूरे डिटेल हम लोग देखेंगे, कैसे उसको पढ़ना है वो भी मैं परिचर्चा करूंगा, कि किस टाइप से प्रश्न आपको किस टॉपिक से उठा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है आपका कंप्यूटर का, वो कितना मैच करेगा आपके थ्योरी वाले पार्ट से, उसको मैं भी बताऊंगा। तो चलो, चलने से पहले, डिटेल जानने से पहले, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं APS का, वो परीक्षा प्लस वेबसाइट के थ्रू आप हमारे APS के कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये APS 2.0, इससे पहले हमने एक बैच चलाया था APS का, वो भी चल रहा है, और ये आपका नया बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल पूरा प्रॉपर दिया जाएगा। जो भी आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी क्लासेस आपको दी जाएगी, मात्र 1178 में ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितना यहाँ पर देख रहे हैं। तो जिन्हें भी जुड़ना है, live.parikshaplus.org और परीक्षा प्लस ऐप से आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्लासेस कल से आपके इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, कल से आप डेमो क्लासेस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसकी। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आखिर कंप्यूटर के सिलेबस में डाला है, और कैसे इसको पढ़ाई करेंगे, और कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सिलेबस जो आपका रहा है। पहले तो मैं आपको पैटर्न बता दूं, तो ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये पैटर्न है एग्जाम का। इस पैटर्न में आप देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के आपके 50-50 प्रश्न, मतलब टोटल 150 प्रश्न आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहले आपका ये सामान्य ज्ञान तो सेम था, इसका जो आपका सिलेबस था ऑलमोस्ट सेम था, और यहाँ पे सामान्य हिंदी वाले में आपके बदलाव किए गए हैं। पहले ये आपका रिटेन था, अब ये ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, और सिलेबस में चेंज किया, कुछ टॉपिक आपका हटाया गया है और कुछ आपके सेम है। तो ये आपके MCQ फॉर्म में 50 क्वेश्चन आएगा, और कंप्यूटर ज्ञान जो नहीं था इसे इंक्लूड किया गया है, 50 क्वेश्चन आपका, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है, यहाँ से 15 गुना। सेकेंड वाले पे जब जाएंगे तो सेकेंड वाला आपका जो पूरा है वो आपका स्टेनो का पार्ट है, तो वो स्टेनो में हिंदी स्टेनो और टाइपिंग, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ये आपका स्किल टेस्ट होगा। थर्ड जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, प्रैक्टिकल में भी आपका कंप्यूटर है, और ये भी जो है 50 मार्क्स का, इसको आपको सिस्टम दिया जाएगा, वहां पे आपको जो भी चीजें बोली जाएंगी जो सिलेबस में है वो करके परफॉर्म करके उनको दिखाना होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है साथ ही साथ कुछ रिटन वर्क भी आपको थोड़ा मोड़ा करना पड़े, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये चीजें हैं, अब हम आप सिलेबस देख लेते हैं। जो कंप्यूटर का संभाग है आपका 50 क्वेश्चन, ये पहले पेपर के लिए, जो 50 क्वेश्चन पहले पेपर के लिए आएगा प्रैक्टिकल नहीं, उसमें सिलेबस क्या दिया गया इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो सब में एक चीज बोला है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम। हर चीज का क्या पूछ रहा है आपको, वर्किंग नॉलेज पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिकली आपसे पूछे, ऐसा भी नहीं है कि थ्योरेटिकल से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब विंडोज हैं तो विंडोज कार्य कैसे करता है, विंडोज में क्या क्या ऑप्शन, अब जैसे विंडोज दे दिया
तो विंडोज सिस्टम की वर्किंग जानने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग जानना जरूरी है, क्योंकि विंडोज क्या है, एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिना आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जाने बिना आप विंडोज के वर्किंग नहीं जान सकते हो। जब आप विंडोज की वर्किंग जान जाओगे तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर विंडोज वर्क कैसे करता है। अब इस विंडोज में हम विंडोज में मैक्सिमम जो लेटेस्ट वर्जन 7, 8 और आपका 10 जो वर्जन चल रहा है और इस समय लेटेस्ट 11 चल रहा है, इनमें हम लोग अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो इससे इसके चेंजेस क्या क्या रहे हैं एक जीयूआई में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है उनमें क्या क्या चेंजेस रहे हैं, आइकन्स में क्या क्या चेंजेस रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि क्या बदलाव हुए हैं इन वर्जन में। ये विंडोज के वर्जन है, बाकी इसके पीछे वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है वो वर्किंग कॉन्सेप्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि विंडोज की वर्किंग जानना है तो आपको ओएस की वर्किंग जानना पड़ेगा कि कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होती है, ये सब चीजें आपको अच्छे से, प्रोसेस का मैनेजमेंट कैसे होता है, फाइल मैनेजमेंट काम कैसे करता है, पेजिंग सेगमेंटेशंस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बोला कि ये जो विंडोज है ना, इनका प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप, लैपटॉप विद पेरिफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रो, मतलब जब एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये जो विंडोज है, अगर ये पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर, माइक्रोफोन, आपका स्पीकर से कनेक्ट है तो इसकी वर्किंग कैसे होती है, मतलब कोई भी कमांड जा रहा है तो वो आउटपुट के थ्रू स्पीकर के चाहे माइक्रोफोन से इनपुट जा रहा है तो वहां पे विंडोज कैसे वर्क करता है, तो वो कैसे बताओगे, जब तक आपको ओएस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं क्लियर होगा, ये ध्यान रहे। तो कल मैं आप लोगों को डेमो के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूंगा, तो जो लोग भी हैं यहां पर चैनल पे नए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेमो देखने के कल 12 बजे दोपहर में जरूर उपस्थित होइएगा परीक्षा प्लस चैनल पे। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहां पर भी क्या बोल रहा है, वर्किंग नॉलेज चाहिए आपका, इसको मैं देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाता हूं और मेरे कई बैचेस में ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिकल क्लास वर्क ऑफिस की डाल रखी है और बैचेस में पढ़ाए, इसको पूरा का पूरा आपको इस बोर्ड को सिस्टम से कोलैबोरेट करके, कनेक्ट करके, आपको एक एक चीजें करके कि आपका डॉक्यूमेंट में जो जो भी चीजें होती हैं, कैसे आपका डॉक्यूमेंट ओपन होता है, कितने उसमें जूम वैल्यू होती हैं, नंबर ऑफ कॉल, आपके फॉन्ट क्या है, मिनिमम फॉन्ट क्या है, मैक्सिमम फॉन्ट कितना जा सकता है, टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सभी आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपके यहां से बनेंगे वर्किंग के। डॉक्यूमेंट फाइल बनता है तो उसका डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, इन सब के बारे में मैं डिटेलिंग आपको जब पढ़ाऊंगा पूरे एकदम विद एग्जांपल यहां पर प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तो वो चीजें जब प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो भी यहां से क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट आपका प्रैक्टिकल में नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना पहला वाला ये नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट है। अब इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट साफ साफ दे दिया है, ईटीसी लिखा है तो ईटीसी में ये भी होता है, यहां पर सिर्फ लोखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना, ऑफिस पैकेज में एसएस भी होता है और आपका आउटलुक भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहां पर हमें सिर्फ पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है तो क्वेश्चन भी यहीं से ज्यादा आएगा। एसएस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन उसे के भी कॉन्सेप्ट में और जो फैक्ट होता है वो बता दूंगा, ठीक है, कि क्या बेसिक पूछ सकता है। यहां पर कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा जो पॉइंट, मतलब दक्ष होना पड़ेगा आपको किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा एक इंटरनेट इसको बोल सकते हो जनरली, ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, इसे थोड़ा सा इंटरनेट का भी बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए, कब आया उसकी हिस्ट्री उस्ट्री, ऐसे हमें विंडोज में भी हिस्ट्री उसकी जाननी जरूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानकारी क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, किसी वेबसाइट का होम पेज क्या होता है, वेब पेज किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं ये भी जानना पड़ेगा, पोर्ट्स नंबर भी आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या पोर्ट्स नंबर होते हैं, किस पे कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है किस पोर्ट्स नंबर पे आपका काम करता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बोल दिया है कि कुछ पॉपुलर वेबसाइट खासकर आप ओपन करके उसके पूरा होम पेज क्या होता है, उसकी अबाउट अस क्या है, क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बारे में जरूर डाल लीजिएगा, जैसे रेलवे हो गया, एयर रिजर्वेशन हो गया, सर्च इंजन जो होते हैं
बेसिक सर्च इंजन बिंग हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, इन सभी के और भी कई ऐसे सर्च इंजन है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। क्वेश्चन ये यहां से यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा नहीं है, ऐसे ही बनता है। बाकी और कुछ इसमें प्रोग्रामिंग आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है ये जनरल हो सकता है कि कौन सी सॉर्टिंग लगती है, ये सब आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है। गूगल इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, विकिपीडिया के बारे में पूछ लेगा कि विकिपीडिया कब शुरू हुई, उसकी हिस्ट्री थोड़ा पूछ सकता है। उसमें डेटा एंट्री कैसे कर सकते हो, ये सब उसमें एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं विकिपीडिया के डेटा को, तो ये जनरल आप प्रैक्टिकली जब तक अप्रोच नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। चौथा जो पॉइंट है वर्बी वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, ये आप सभी को आता होगा जो जनरल यूज करते होंगे, जीमेल आप लोग अगर यूज किए हो तो वही ईमेल सर्विस का। अब ईमेल में कुछ भी पूछ सकता है कि ईमेल में आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस कौन है, तो आप लोग जीमेल मत मार देना, वो गूगल का है, वो आउटलुक होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, सेंड करना आपको ईमेल बना के कैसे ड्राफ्ट किया जाता है ईमेल, कहां पे आपको सीसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, उनका वर्किंग क्या होता है। सेंडिंग हो गया, अटैचमेंट कोई आपको करना है, कितने एमबी तक आप अटैच कर सकते हो, सबका अलग अलग ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है। रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस, एड्रेस वाला जहां है जहां पे आप एड्रेस डालते हो, जो मैंने बताया बीसीसी और सीसीसी वाला। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे तो है पावर पॉइंट, लेकिन यहां पर भी प्रेजेंटेशन दिया है वर्किंग, कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है किसी भी चीज का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन एज ए डॉक्यूमेंट व्यू कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वो आपको यहां पर बताना है, ये ध्यान। अब जो आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ऑलमोस्ट सेम है आपके थ्योरी वाले पार्ट से, जो प्रैक्टिकल है देखिए यहां पर ईमेल वाला सेम चीज है, आपको वहीं पर यहां बोलेगा कि कोई एक फाइल है इसको अटैच करो, सेंड करो इन नंबर पे, तो आप सेंड कर सकते हैं। दूसरा बात है आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो इंटरनेट वाला बताया, सेम चीजें हैं, आपसे पूछ लेगा कि आप एयर टिकट बुक करके दिखाइए, चाहे कैसे आप बुक करोगे, इस हिसाब से एयर रिजर्वेशन, तो कुछ वेबसाइट का नाम भी याद रखो, किस पे रिजर्वेशन होते हैं वो चीजें, जैसे IRCTC है तो उसकी क्या सर्विसेज हैं, कब आया, ये सब चीजें जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप बोला हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपसे क्या क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट राइटिंग करा सकता है, उसका मेलिंग करा सकता है, पंचुएशन करा सकता है, कहाँ पर इंसर्ट ऑफ टेबल एंड डायग्राम, ठीक है, ये सब टेबल डायग्राम इंसर्ट कराना, मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन पीपीटी कैसे आप बनाओगे वो आपसे कह देगा कि ये कुछ मैटर है, आप एक क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा ये मैटर है, इसको आप प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो वो आपको वहां पे सिस्टम पे बैठ के बनाना पड़ेगा। यूज ऑफ फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सेल, ये बहुत जरूरी है, ये मैं जब प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा ना एक्सेल तो वहां भी बताता हूं, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछता है। जनरल कुछ फॉर्मूले होते हैं, सम हो गया, एवरेज, काउंट ए हो गया, लेलियन हो गया आपका, उसके बाद से कई ऐसे फॉर्मूले हैं, वी लुकअप हो गया, ट्रांसपोज हो गया, वी एच लुकअप हो गया, ऐसे एक्स लुकअप हो गया, कई ऐसे फॉर्मूले हैं, कुछ कैलकुलेशन के होते हैं, कुछ आपके स्ट्रिंग के होते हैं, तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो जब प्रैक्टिकली एक एक चीज करके दिखाया जाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो बच्चे एकदम जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, वो परीक्षा प्लस ऐप और वेबसाइट के थ्रू live.parikshaplus.org के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये पूरा का पूरा मतलब एक आप पढ़ोगे कंप्यूटर, प्रैक्टिकल अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका आपका प्रैक्टिकली ही है। तो निश्चिंत रहिए, एक बार आपने थ्योरी के लिए पढ़ा, आपका प्रैक्टिकल भी ओवरऑल 100 marks आपका यहां पर तैयार होगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। तो चलिए, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है अगर आपको, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी इशू हो आपको किसी भी चीज़ से, इस भर्ती से रिलेटेड कोई इशू, कोई एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू हो, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।